जब तक 25 सिस्टम रहेगा, जब तक नेपोटिज्म कल्चर रहेगा, जब तक फ्रेंडशिप कल्चर चलेगा, पाकिस्तान कभी भी कोई भी कप जीत नहीं सकता। पाकिस्तान को चाहिए स्किल्डफुल प्लेयर्स को कप के लिए भेजना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाक में टैलेंट की कमी है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, पर नेपोटिज्म की वजह से, सिफारशी कल्चर की वजह से वो टैलेंट सामने नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हम दुनिया के सामने जलील होते आ रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम ने ये सोचा तक नहीं होगा कि पाक टीम अफगानिस्तान से बुरी तरह शिकस्त खाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ मेरिट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फेयर सिलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैटिंग ऑर्डर को समझना और प्लेयर को भेजना। जिस तरह शोएब अख्तर अक्सर बताते हैं कि पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर ठीक होना चाहिए, राइट प्लेयर को राइट टाइम पर आना चाहिए। ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि पाक इस वर्ल्ड कप में सेमी तक जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। पाक का सेमी में जाना, हम जब खुद से कर नहीं पाते तो हम कहते हैं कि फलां टीम फलां से हारे और फलां फलां से जीते तो हम सेमी में जाएंगे। भाई, दूसरी टीम पर भरोसा क्यों करें हम? हमको शर्म आनी चाहिए ऐसी टीम भेजने पर।